हरियाणा में जिस तरह से कैलाशपति मित्र और जन शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है पटना में, उसी पे हम चर्चा करेंगे। भाजपा के समझिए कि यहाँ पे हमारे साथ हैं, हम इन लोग से जानेंगे कि कल जिस तरह से जन शताब्दी समारोह में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है, क्या कुछ मुद्दा है, किस तरह से बिहार में समझिए कि इस बार समझिए कि जनता जनार्दन एकदम बदलाव के मुद्दे पे है और उसी चीज़ को परिवर्तन के लिए क्या कुछ है। जी परिवर्तन तो नज़र आ रहा है, इसलिए कि ये फर्जी जनगणना जो हुआ है जी, इसमें तो आप रूम में बैठकर 40% भी लिख देख सकते हैं, 14% भी लिख दीजिए, वो तो अपना मर्जी है। और रही बात जेपी नड्डा जी की, तो इनको देख रहे हैं कि ये हुजूम कल यहाँ से एरोड्रम से लेकर गांधी मैदान तक आदमी को चलने की जगह नहीं मिलेगी। अब बापू सभागार में तो खैर रहने का जगह नहीं मिला, बाहर रोड पे नजर आएंगे लोग। अब परिवर्तन तो इसी से नजर आ रहा है। सर कल जो जन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहाँ कहाँ से बिहार की पब्लिक, पूरे बिहार से आ रहे हैं? पूरे बिहार से आ रहे हैं लोग, ओके, बिहार के हर कोने कोने से। और रही बात ये कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भाजपा का बिहार में पाया गया है, अभी बिहार में 14 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है मेरा। ओके, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा अशोक कुमार नाम हुआ, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा का हूँ। अब बताइए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कल जिस तरह से जन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? ये तो जान ही रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ का जो चहल पहल और इतना बैनर वगैरह जो लगा हुआ है, इसको तो साबित कर रहा है ना कि कितना भीड़ कल जुटेगा। माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो आज से ही लोग आना शुरू कर दिए और कल तो इस तरह से पटा जाएगा कि एकदम मतलब भाजपा मय हो जाएगा पूरा पटना। ओके, ये जो अभी जनगणना का जो रिपोर्ट आया बिहार सरकार के द्वारा, क्या ये सही है आपके तरह? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत, ये जनगणना नहीं, इसको मनगणना कहिए। एक रूम में बैठ करके और आप लिख दीजिए 14% अब 40% अब 32% कर दीजिए, और जिसका सही है उसको मतलब जन जन जनगणना होता है, जन जन तब गिनती कर लेना, तब जनगणना हुआ। आप कहीं दरवाजे, किसी के दरवाजे पर गए नहीं, गांव देहात में गए नहीं, खाली एक रूम में बैठ करके 5 आदमी मिल करके उसको ही कर दिए, तो जनगणना थोड़ी होगी, ये तो बिल्कुल 110% गलत है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी।